हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल माय गर्लफ्रेंड इज डेविल के एपिसोड नंबर 75 के साथ हाजिर हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो रॉबर्ट्स होते हैं लूटने के लिए आए होते हैं एलिन और लिन की टीम को, तो उस जो लिटिल फॉक्स होती है वो उन्हें दबा लेती है जैसे वो भाग रहे होते हैं वहां से। और तभी सारे मेंबर्स अपनी गन निकाल लेते हैं और बोलते हैं चलो अपने बॉस को बचाते हैं। तभी दूसरा साथी कहता है अरे घंटा अपने बॉस को बचाएगा, पहले अपने आप को तो बचा लो, चलो जल्दी सरेंडर कर देते हैं। अभी नेक्स्ट सीन में मैं दिखाया था उन लोगों ने सारा का सारा पैसा लिन को दे दिया होता है, लिन सभी पैसे के मजे ले रहा होता है और जैसा लिन वैसे उसको टीम मेंबर देखने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लिन उसको देखकर बोलता है ये तो बहुत ज्यादा ग्रेट है, ये वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है बहुत ज्यादा पैसा बनाने में बिना किसी दिक्कत के और खाली हाथों। और उन सभी के सभी गैंगस्टर को ये लोग बांध कर उनसे पूछताछ करना चालू कर देते हैं। तभी जो गैंगस्टर रोते हुए कहता है उनका लीडर यहाँ पर तो कोई भी ऐसा लॉ नहीं है, हम लोग रॉबर्ट से उल्टा हमें ही लूट लिया यहाँ पर। तो तभी जो लिन होता है अपनी तलवार निकालता है और देखते हुए घूरते हुए कहता है क्या इतना काफी नहीं है कि मैंने तुम्हें अभी तक नहीं मारा है। तभी ये देखकर वो लोग डर जाते हैं और बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा। तभी लिन उनसे आकर पूछता है हे तुम लोग सच में कई सारे लोगों की प्रॉपर्टी कलेक्ट कर रखी थी, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उस सारी की सारी प्रॉपर्टी को मेरे हवाले कर दो। ये देखने के बाद तभी उसका सिस्टम वो नोटिफिकेशन देता है ये तुम्हारा मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है। और ये देखकर लिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और खुश होते हुए मन में सोचते हुए बोलता है अरे मजा आ गया भाई लोग 20 पॉइंट मिल गए फोकट के। और तभी मन में सोचते बोलता अब मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है तो अब समय आता है सही क्वेश्चन का। और जो हॉर्स थीव है वो हर जगह घूमने में लगे हुए हैं तो इन्हें जरूर पता होगा कि सैंड शेडो गोस्ट कहाँ पर है। और तभी ये देखने जैसे ही वो घूर रहा होता है तो जो इनको रॉबर्ट्स होते हैं वो देखकर डर जाते हैं और रोने स्टार्ट कर देते हैं और उससे बोलते हैं प्लीज हमें माफ कर दीजिए बस हमारे गलती थी कि हम आपको लूटने के लिए आ गए, प्लीज हम पे दया दिखाइए हम लोग पुराने बस बुढ़े आदमी और कुछ भी नहीं। तभी इन उसके पास आता है और एकदम डरावना से लोग बनाते हैं उससे कहता है ये बिल्कुल ठीक है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा लेकिन तुम्हें मुझे इन्फॉर्मेशन देनी होगी शैडो गोस्ट किंग के बारे में। इसको देखने के बाद दोनों के पसीने छूटने लगते हैं और तभी एक उससे बोलता है हम सिर्फ इंसानों को लूटते हैं और उन्हें डराते हैं भला हम गोस्ट किंग के बारे में कैसे जानेंगे। और तभी जो लिन होता है वो रोज को बुलाता है और उससे कहता है हे लिटिल ग्रीन रोज जरा इधर से आओ मैं तुमसे यस नहीं कहूँगा मतलब हाँ तो नहीं कहूँगा लेकिन चलो इन्हें कुछ टैलेंट दिखाते हैं तुम्हारा। जिसे देखता जो रोज है वो एक्साइटेड होती है उससे कहती है हाँ हाँ बिल्कुल डैडी जी बिल्कुल। और तभी जो रोज होती है वो पहने पहने और नुकीले कांटे समन करना स्टार्ट कर देती है बड़ी डरावनी सी स्माइल के साथ। और तभी लिन उनसे कहता है चलो इससे बात करते हैं और इस बारे में सोचते हैं कि तुम्हें इसके बारे में पता ही नहीं पता। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो कांटे वाली लकड़ियाँ होती हैं वो जमीन से निकल आती हैं और उन गुंडों के पिछवाड़े में घुसना स्टार्ट हो जाती हैं जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं। ये सीन वाकई में बहुत ज़्यादा डरावना है तो कृपया इससे दूरी बनाए रखें। तभी जो रॉबर्ट्स होते हैं वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं और उनसे बोलते हैं कि हमने कुछ समय पहले सुना था कि जो सैंड शेडो गोस्ट का लीडर है वो अभी सिन सिटी में है लेकिन सिन सिटी तक जाने वाली जो रोड है वो काफी ज्यादा डेंजरस है, ये हमने इसलिए नहीं कहा तुमसे क्योंकि तुम्हारी सेफ्टी के लिए इसलिए हमें तुम पहले डायरेक्टली नहीं बताया, अगर तुम जाते तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। तभी जो लिन होता है वो उससे बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां तक जाने का रास्ता कितना ज्यादा कठिन है और कितना ज्यादा मुश्किल है, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग वहां पर जाएं। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उन गुंडों की तो बच गई होती है और तभी वो लोग वहां से लिन और लिन की टीम वहां से जाना स्टार्ट कर देती है। तभी जो कोको होती है वो लिन से कहती है हे लिन मुझे नहीं पता ये इल्यूजन है कि नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं लेकिन मुझे कुछ दिखाई दे रहा है सामने जिसको देख रहे मतलब इसका कह तो नहीं पाते कि सामने दिखाई दे रहा है, उसने कहा कुछ इल्यूजन जैसा है। तभी जो लिन होता है अपनी अपनी डिंग यहाँ भागना स्टार्ट करता है और बोलता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम मुझसे फॉन्ड हो गई मतलब अटैच्ड महसूस कर रही हो। और बोलता है उससे कि यहाँ पर हर दिन कोई ना कोई गर्ल आती है मुझसे कंफेस करने के लिए कोई ना कोई लड़की अपने प्यार के बारे में और मुझे इसकी आदत सी हो गई है और अपनी एकड़ी फागने मारने लगता है इसके सामने। तभी हमें दिखाया जाता है होंगे से कहती है ठरकी साला पता नहीं क्या समझ रखा है अपने आपको। इसको देखने के बाद थोड़ी शर्मा जाती है कोको और मन में सोचते हुए बोलती है जो लिन वाकई में बहुत ज़्यादा चेयरफुल है जैसा हमेशा था पहले की तरह, क्या सच में ये मुझसे गुंज जैसी लड़की को पसंद करेगा। तभी जो लिन होता है वो कोको से कहता है वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि मेरे पास ऑलरेडी फ्यांसे है मतलब मंगेतर है ऑलरेडी। और तभी लिन अपने एक्शन और पोज मारते उससे कहता है हे होंगे जरा बाहर आ जाओ और हमारे पुराने दोस्त से मिल लो। तभी हमें दिखाया जाता है होंगे 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 इनविजिबल मोड से विजिबल मोड में आ जाती है तो आप सभी लोग जैसा कि देख ही सकते हो कहीं जहर और एक्सपेक्ट नहीं ये पॉज कर लो जितना देखना देख लो बस बहुत है इतना।
तभी होंगे बाहर आती है और उसे कहती है, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, मेरा नाम रेडलिफ थी पे मतलब होंगे है, और तो और मैं लिन की गार्डियन स्पिरिट भी हूँ। इसको देखकर जो कोको होती है बहुत सरप्राइज होती है और बोलती है, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल सिस्टर है यार, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल, कतई जहर, मज़ा आ गया। और तभी हमें दिखाया जाता है जो रोज़ उसके गले लग जाती है और जो होंगे होती है वो उससे कहती है, हे लिटिल ग्रीन, मुझे देखकर ये अच्छा लगा कि तुम अभी भी ओबिडेंट हो मतलब आज्ञाकारी हो जब मैं यहाँ पर नहीं थी। तभी कोनिया मन में सोचते बोलती, कितनी ज़्यादा हैप्पी फैमिली है और इस जैसी लड़की मतलब इस जैसी सिस्टर ही लिन के काबिल है, मैं नहीं। तभी जो होंगी होती है उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसे कहती है, मैं तुम्हें काफ़ी समय से ऑब्जर्व कर रही थी और मैंने देखा कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की हो और ये जो ट्रिप है वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड रही थी। तभी कोको उससे कहती है, ये वही है जो मुझे करना चाहिए था। तभी जो होंगी होती है वो उसके पास आती है और उससे सर से सर मिलाती है और उससे कहती है, कोई बात नहीं। और तभी जो कोको होती मन में सोचते बोलती है, ये जो रेड लीफ थीव है आई मीन जो होंगे है होंगे सिस्टर बाकी भी बहुत ज़्यादा स्वीट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात करती हैं, गुस्सा भी नहीं, अब एक तरह से परफेक्ट बोला जाए तो। इसको देखने के बाद लिन की हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है और बोलता है, एक मिनट रुको, आखिरकार ये जलने के मतलब ये खट्टी खट्टी स्मेल कहाँ से आ रही है, यहाँ का जो एटमोसफेयर है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है और भला मैं यहाँ पर आउटसाइडर क्यों भाई। तभी जो फॉक्स है उसके पास आती है और उससे कहती है, इस कोई बात नहीं मास्टर, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए हूँ ना यहाँ पर। तभी लिन उससे कहता है, मुझे जानवरों में कोई इंटरेस्ट नहीं है मतलब डेट करने में। तभी अचानक से एक बवंडर सा उनके पास आने लगता है, इसको देखकर लिन बहुत सरप्राइज होता है, बोलता है ये सैंडस्टॉर्म अजीब सा नहीं है कुछ। तभी होंगे उससे कहती है, इस सैंडस्टॉर्म में मुझे गोस्तली वाला महसूस हो रहा है। और तभी हमें एक गोस्त को दिखाया जाता है सामने और वो हंसते हुए धांकड़ा होता है और गोस्त जैसे हाँ हाँ कर रहा होता है, समझ गए होंगे। तभी देखने के बाद होंगे बहुत सरप्राइज होती है और उससे कहती है, ये तो गोस्त सोल्जर है, हमें जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तभी लिन उससे पूछता है, गोस्त सोल्जर? तभी हमें दिखाया था जितने भी ज़्यादा गोस्ट सोल्जर होते हैं वो सभी के सभी अपना स्पेयर घुमाए रखते हैं, गोल गोल रानी कितना कितना पानी, और जिसके जो स्पेयर होता है उसके कारण बवंडर बनना स्टार्ट हो जाते हैं और लिन और लिन की टीम उड़ना स्टार्ट हो जाती है उस हवा के प्रेशर के कारण। और तभी लिन उससे बोलता है, सभी के सभी लोग सावधान हो जाओ। और हमें दिखाया जाता है जो लिन होता है और लिन की टीम किसी जगह पर बड़े से गड्ढे में मतलब टनल टाइप का कुछ होता है उसमें गिरना स्टार्ट हो जाती है। तभी लिन से बोलता है, यहाँ पर अभी भी अंडरग्राउंड में इतना ज़्यादा स्पेस है। और हमें दिखाया जाता है रोज़ को, रोज़ तो मज़े कर रही होती है और बोलती है, ये जगह वाकई में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा फनी भी है। और तभी हमें दिखाया जाता है सभी के सभी ज़मीन पर गिर जाते हैं और नीचे होती है सबसे फॉक्स, फिर उसके ऊपर होता है लिन, फिर कोको, फिर हमारी रोज़, एंड एंड में हमारी सबसे टॉप पर बैठी हुई होती है होंगी द क्वीन ऑफ द सीरीज। तभी उससे कहती है, ये वाकई में बहुत ज़्यादा डरावना था। तभी कोको होती है उससे पूछती है, हमें मुझे लगता है देखकर हम किसी चीज़ पर बैठे हुए हैं, चोट तो नहीं लगी? तभी लिन उससे कहता है, मेरे ऊपर बैठे हुए बे हटो, लग रही है दुख रहा है। तभी जो होंगी होती है उससे कहती है, हम वाकई में बहुत ज़्यादा लकी है, जरा उधर तो देखो लिन कितना ज़्यादा ट्रेजर छिपा हुआ है इस गड्ढे के अंदर। ये देखकर लिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, ये तो वाकई में सच है, हम लोग वाकई में बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। और लिन जल्दी जल्दी जाकर उस खजाने को देखना स्टार्ट कर देता है। तभी होंगी उससे कहती है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रही है दया, मतलब लिन कुछ तो गड़बड़ है। तभी लिन को मतलब जो होंगे होती है वो लिन को सावधान करती है और अचानक से कहती है, हे लिन इस तरीके से इसको ओपन मत करना, ये ट्रेजर में कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक जैसे ही लिन उस डब्बे को खोलता है उसमें से एक गोस्तरी आम बाहर निकलता है, जिसको देखकर लिन बहुत सरप्राइज होता है और डर जाता है और बोलता है, अबे ये क्या चीज़ निकल गई इसमें से, वो मम्मी बचाओ रे भागो। तभी हमें दिखाया जाता है जितने भी डब्बे होते हैं वहाँ पे उसमें से गोस्त जैसी आँखें, बड़ी बड़ी आँखें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं और सभी के सभी देख कर बहुत डर जाते हैं और बोलते हैं, ये तो सभी के सभी गोस्त हैं और ये तो ट्रेजर चेस्ट गोस्त हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है जो सोल्जर होते हैं वो सभी के सभी वहाँ पर आ जाते हैं, गोस्त सोल्जर ऊपर से कूदते हुए। तभी जो होंगी होती है उसको देख लेती है और बोलती है, अरे शिट जो गोस्त सोल्जर है वो भी हमारी तरफ आ रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है लेकिन उस गोस्त जो मतलब ट्रेजर गोस्त होते हैं उनका हाथ पकड़ता है, उनको उठाकर जोर से उन गोस्त सोल्जर की तरफ देखना स्टार्ट कर देता है और बोलता है, तुम लोग बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, और बोलता है कि हम तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, जाओ और उनसे जाकर मिलो, जल्दी से इधर आओ और इन ब्लाइंड बॉक्सेस को खोलने में हमारी मदद करो, और उनको उनके ऊपर फेंकना स्टार्ट कर देता है। इसको देखने के बाद जितने भी गोस्त सोल्जर है वो डर जाते हैं और बोलते हैं, अरे इतने ज़्यादा पोलाइट भी मत बनो, क्या सच में तुम इतने ज़्यादा अच्छे बच्चे थे, इससे अब भले ही हम इंसान तो नहीं है लेकिन फिर भी तुम वाकई में बहुत ज़्यादा बड़े गोस्त हो, हमसे ज़्यादा कमीने हो, कमीने तुम इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो हमारे खिलाफ, तुम बेवकूफ़ मतलब कुत्ते कमीने, और समझ ही गए होगे अब कितनी गालियाँ दें उतनी ही कम है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा तो गाइस
और लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, जल्दी दबा दो, मुझे नहीं पता कैसे भी दबा दो यार, कुछ पैसा वैसा तो मांग नहीं रहे, ना लग रहा है, इतना काफी होता है दिखाने के लिए। हाँ भाई सपोर्ट कर रहे हो, सपोर्ट के नाम पर इतना कर दो, बहुत है और कुछ नहीं चाहिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट ताकि नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। तो आइए वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।